3 बजे मन्नत पैलेस कैथल रोड पे जितने भी मेरे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता, जितने हमारे मतदाता, जितने भी हमारे हलके के जिन लोगों ने दिन रात एक पसीना बहाकर ये जीत को हासिल करवाया है, उनका मैं वहाँ धन्यवाद के लिए उन सबको निमंत्रण दिया है। तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि कल 3 बजे मन्नत पैलेस में आकर और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। बड़ी जीत इस समय हासिल हुई है 50,000 से अधिक वोट, तमाम दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो सुन रहे हैं जो आपके मतदाता? मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस प्रकार से जो प्यार और स्नेह, जो आशीर्वाद असंध हलके की जनता ने दिया है, 36 समाज के लोगों ने दिया है, मेरे बुजुर्गों ने दिया है, मेरी माताओं बहनों ने दिया है, मेरे युवा साथियों ने जो मुझे दुआएं दी हैं, जो कड़ी दिन रात मेहनत की है, उसी का परिणाम यह है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का संत विधानसभा से कमल खिला है और विधानसभा पहुंचा है। मैं एक बार फिर सभी जितने मतदाता हैं, जितने असंत की जनता है, 36 समाज के लोगों का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जिन अपेक्षा और जिन आकांक्षाओं को लेकर वोटिंग आपके समर्थन में हुई है, तो उन्हें जो विकास संबंधी जो मांगे हैं उनके प्रति क्या संस्कार है? निश्चित रूप से विकास सबसे पहला मुद्दा है। पिछले 5 वर्ष से हमारे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक नहीं था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं यदि विकास के कामों की गति कम हुई है तो उन गति को बढ़ाया जाएगा। मेरी प्राथमिकता है असंत को जिला बनाने की, और उसके साथ साथ जो भी चाहे गांव की बात हो चाहे शहर की बात हो, यदि कहीं भी मूलभूत सुविधाओं की कहीं कमी है, लोगों के साथ मिलकर, लोगों के मन की बात को जानकर, जैसे जैसे यहाँ की जनता कहेगी वैसे वैसे इस असंत हलके का विकास के लिए मैं दिन रात एक करके यहाँ के विकास कराने का प्रयास करूँगा। कोई किंतु परंतु नहीं है, माननीय नायब सैनी जी जो हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार चल रही है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड की बात है कि लगातार तीसरी बार हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज तक कोई भी सरकार ऐसे कभी नहीं बनी। इसके लिए मैं जितने भी हरियाणा के मतदाता हैं, जितने मेरे करनाल जिले के मतदाता हैं, जितने मेरे असंध विधानसभा के मतदाता हैं, जनता जनार्दन है, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और एक रिकॉर्ड और करनाल में बना है, करनाल में जैसे पहले भी लोकसभा में सारी की सारी विधानसभाओं में माननीय मनोहर लाल जी ने जीत दर्ज की थी, ऐसे ही इस बार भी विधानसभा चुनाव में भी 9 की 9 विधानसभाओं में कमल खिला है। और ये कहीं ना कहीं हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी की कूटनीति है, उनका मार्गदर्शन है। हमारे नायब सैनी जी जो इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, ये कहीं ना कहीं उनका करिश्मा है। हमारे मोदी जी पूरे देश के लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री हैं, सर्वश्रेष्ठ नेता है पूरे विश्व के, ये उनका कहीं ना कहीं अपने आप में कमाल है। नड्डा जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली जी हैं, ये सभी उन्हीं के मार्गदर्शन में जो चुनाव हुए हैं, ये इसी का परिणाम है कि जो पिछले 10 वर्षों में चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, जो जो विकास के काम हुए हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कराया है, लोगों से अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा में जोड़ने का जो काम किया है, और जिस प्रकार से बिना पर्ची और बिना खर्ची के जो एक गरीब के घर में दिया जलाने का जो काम किया है, ये अपने आप में उसी बात का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने खूब मतदान किया। सर, इस बार बिना वैसाखियों की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, एक बार फिर से क्या कुछ कहना चाहेंगे, और ज़्यादा तेजी आएगी? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से 48 विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के, 3 ने कल और जो इंडिपेंडेंट बने थे उन्होंने भी समर्थन दिया है, इसलिए इस बार जो पिछली बार ऐसा था कि वैसाखियों पे सरकार थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई विकास में कई बार कोई दिक्कत आती थी। लेकिन मैं एक बात पूरे जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि जो पिछले 2 प्लान में जितनी गति थी उससे डबल गति में इस बार की जो तीसरी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार है, उससे तीघनी गति से काम करेगी। तो फिर असंध की जनता आश्वस्त रहे कि जिला बनेगा इस बार इसी कार्यकाल में? निश्चित रूप से हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचते सोचते जो मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार कहा, जो हमने लाइन लंबी करने की बात थी, निश्चित रूप से आप सब ने देखा
कि वो लाइन जो लंबी हुई है उसी की वजह से आज यहाँ कमल खिला है, और वो केवल और केवल इन जो मतदाता हैं, मेरी असंध की जो प्यारी जनता है, जो असंध के मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, छत्तीस समाज के लोग हैं, उन्हीं की वजह से ये कमल खिला है, उन्हीं की वजह से लाइन लंबी हुई है। और ऐसे ही जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे, चाहे मैंने जैसे पहले कहा जिला बनाने की बात हो, मूलभूत सुविधाओं की बात हो, सड़कों की बात हो, गलियों की बात हो, नालियों की बात हो, पार्कों की बात हो, उन सभी पे काम किया जाएगा। निश्चित रूप से जो जो काम जिस प्रकार के कुछ तो काम ऐसे हैं जो पाइपलाइन में, उनको भी कहीं ना कहीं गति देने का काम किया जाएगा, और जो अभी प्रोजेक्ट कहीं बने ही नहीं है या जहां जरूरत है उन प्रोजेक्टों को भी लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सुविधा के लिए हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो असद की जनता मंत्रालय की भी मांग कर रही है। वो देखो असद की जनता का अपना भाव है, और उसके बाद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो सबको मंजूर हो। आज योगेंद्र राणा जी को हम बधाई देने यहाँ पे पहुँचे हैं, और योगेंद्र राणा जी की जीत में 36 बिरादरी का सहयोग है, 36 बिरादरी ने इनका साथ दिया, इसलिए ये जीत हासिल हुई, जिसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कल 1 बजे मन्नत पैलेस में सभी का धन्यवाद करने के लिए सभी को आमंत्रित करते हैं। हमारी सरकार बनी है, और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। असंध की जनता का, प्रदेश की जनता का, प्रदेश के हित में लोगों ने मतदान किया है। वोटरों का बहुत बहुत धन्यवाद, और असंध की जनता ने भी पूरा सोच समझ कर फैसला लिया है कि जिसकी सरकार उसका विधायक। असंध के वोटरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सटीक फैसला लिया है ताकि हमारा असंध विकास में गति पकड़ सके। सबसे पहले तो पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार स्पष्ट बहुमत आया है, पूरे हरियाणा की जनता ने जातिवाद को नकार कर विकास को वोट दिया है, और पूरे हरियाणा ने साबित किया है कि हम जातियों पे नहीं बंटेंगे, हम देश के लिए और प्रदेश के लिए, विकास के लिए हम सब एक हैं। मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूँ, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मनोहर लाल जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ, क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार मेरिट के आधार पर नौकरियाँ दी, उससे पूरे प्रदेश में बीजेपी के लिए एक भवन बना, और असंध में राणा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समय देख सकते हैं असंध विधायक योगेंद्र सिंह राणा को पुष्प गुच्छ दे करके सभी जो है उनका सम्मान करते हुए ये सीधी तस्वीरें जो है नई अनाज मंडी से आप देख सकते हैं, हुए उनसे मिलते हुए मुँह मीठा करवा करके योगेंद्र राणा जी है उनका सम्मान करते हुए ये तस्वीरें देख सकते हैं। कार इन तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें असंध अंचल हरियाणा के साथ।